हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई, और अब मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आया हूँ। हमने पहले इससे पहले वीडियो देखा था जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के 5 मार्क के आंसर्स पे फोकस किया था। अब की बार जो हमारा वीडियो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के 3 मार्क के आंसर्स पे फोकस कर रहा है। ये पूरा का पूरा PDF है जहाँ पे हमने 3 मार्क के आंसर्स को एक पूरे PDF में कंपाइल करके आपके लिए रखा है। आपको ये PDF कैसे मिलेगा, आपको कैसे खरीदना है, या आपको इस PDF के साथ साथ और कितने सारे PDF मिलेंगे, आपको ये सब मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है। मैंने आपको कहा था आपको हमारी ऐप पे जाना है जिसे आपका नाम है शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग ऐप। उस ऐप में आपको जाके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की पूरी बुक मिलेगी जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक्स प्लस थियरी क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे एक सिंगल टैप के अंदर आपको मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, विच इज जस्ट ₹99, जहाँ पे आपको सारा कलेक्शन वहीं मिल जाएगा। साथ ही में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ आपको उस ऐप पे मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी बात माननी है और जो जो मैं सिखा रहा हूँ पढ़ते जाना है। आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मेरे भरोसे आप छोड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे आज का लेक्चर। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आप लोग पढ़ रहे हैं शेपर्स एजुकेशन की चैनल पे और ये है इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस। जिन किसी ने भी शेपर्स एजुकेशन की चैनल को फॉलो नहीं किया हो तो भैया कर लो, इंतजार किस बात का है। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। हमारे सबसे पहला चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर से 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है बट इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आप अपने मन से भी लिख सकते हो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सारा दिया इसलिए जाता है कि भैया कुछ तो याद रखोगे एग्जाम में, बाकी इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग्स लिखनी है। अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप खाली इनको 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे चलेगा। सबसे पहला नेसेसरी इन एवरी फील्ड, भैया मैनेजमेंट हर फील्ड में चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट आपके रिसोर्सेस का सबसे बेस्ट सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है जिससे उनके वेस्टेज कम होते हैं। मैनेजमेंट आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। साथ ही में मैनेजमेंट अपने आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैनेजमेंट आपके बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देता है। सिंपल सी बात है भैया, मैनेजमेंट अच्छा होगा, वेस्टेज कम करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, तो भैया प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब एक बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाता है तो वो अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सोसाइटी को भी देता है। मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट सोशल बेनिफिट भी करता है, सोसाइटी का फायदा भी करता है, सोसाइटी के भले के लिए भी अच्छा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। साथ ही में क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? अब ये तो भैया बहुत कॉमन आंसर है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, आपको याद हो गया है। आप 5 मार्क वाले में करो, 2 मार्क वाले में करो, 3 मार्क वाले में करो, कहीं ना कहीं पे ये फूट जाता है, राइट? सो आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हो क्या भैया मैनेजमेंट प्रोफेशन ऑफकोर्स है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। मैनेजमेंट भी अपनी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करता है। मैनेजमेंट के अंदर भी आज की तारीख में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज फील्ड ऑफ नॉलेज बन गया है। मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे जैसे आप अपना काम बढ़ाते रहते हो, रिसर्च और नॉलेज बढ़ता रहता है। मैनेजमेंट के लिए भी एक पूरा एसोसिएशन होता है जिसके अंदर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन सब चीज को ध्यान में रख के हम मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑफकोर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है। आपको एग्जाम में कोई भी एक स्पेसिफिक लेवल पूछ सकते हैं कि भैया टॉप लेवल के फंक्शंस बता दो या मिडिल लेवल के बता दो। 3 मार्क के अंदर बेसिक पूछ सकते हैं, थोड़ा मन से लिखो के चलेगा। डिफरेंस पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप आंखों से निकाल लो, बाकी पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, डिफरेंस नहीं पूछा जाना चाहिए मोस्टली। चलिए नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर भी आ चुका है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पूरा का पूरा हमारा आ चुका है, तो आपको ये इतना डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ ये यहाँ आ सकता है। जब कभी भी पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा ना, ये क्वेश्चन फूट जाएगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक अच्छा HR मैनेजमेंट होगा तो आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक अच्छा HR मैनेजर होगा, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छे HR मैनेजर से बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ती है।
इम्प्लॉयज के अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वननेस की फीलिंग होती है, आपके रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, साथ ही में आपका लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपके एम्प्लॉय आपके साथ खुश है, आपके साथ सेटिस्फाइड है, तो आपकी कंपनी को छोड़ के कहीं भी जाना चाहते नहीं है। सो इसलिए ये सारे अच्छे अच्छे फायदे होते हैं अच्छे एचआर मैनेजमेंट का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है? अगेन जैसे कि मैंने कहा था, आप थोड़ा बहुत मन से लिख सकते हो, थोड़ा बहुत समझ लेना कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसों को मैनेज करता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या आएगा, कंपनी के फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करेगा, कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लान्स बनाएगा, कंपनी के लिए बजट बनाएगा, जो पैसा मिला है उन पैसों को कहाँ कहाँ अलोकेट करना है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कितना डेट होगा कितना इक्विटी होगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। साथ ही में हमें फंड कहाँ से अक्वायर करना है और उन फंड को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, ये सारा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगेन एन इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यार, इसमें 5 मार्क के हिसाब से आंसर याद करना, क्योंकि ये चैप्टर में 5 मार्क के हिसाब से आंसर्स करोगे तो 3 मार्क 2 मार्क में अपने आप लिख पाओगे, तो इसको सभी रटना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर एक अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने फॉलो किया है तो आपके मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल कर पाओगे, आप सारे के सारे डिसीजन लॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस पर लोगे, तुक्के के बेसिस पे आप काम नहीं करोगे, आपके हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक एक साइंस होगा। साथ ही में आप अपने बिजनेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप करवा पाओगे, भैया आसपास का एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है, रोज टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने में आप अपने बिजनेस को मदद करोगे। साथ ही में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे, आप रिसर्च ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी ध्यान दोगे, क्योंकि भैया आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि रिजिड नहीं हो सकते, यू हैव टू बी इनोवेटिव। तो अगर आपने अच्छे से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आप अपने बिजनेस के अंदर कर पाओगे। अब शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न थॉट नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये मन से लिखोगे चलेगा, ये 3 मार्क में नहीं पूछेंगे, मेरे हिसाब से 2 मार्क में पूछेंगे, कभी ना कभी पूछा गया इसलिए इसको यहाँ पे भी टिकाया है, बट आई डोंट थिंक सो वापस पूछेंगे ये। अब एक्सप्लेन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, ये भी बहुत ही यूजलेस क्वेश्चन है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी पेपर टफ बनेगा ना, ऐसा एक घटिया क्वेश्चन आ जाएगा, जनरली नहीं आना चाहिए, तो एक बार नजर से निकाल देना, बाकी ज्यादा इज्जत इस क्वेश्चन को देने की जरूरत नहीं है। डिस्कस अबाउट पीटर ड्यूकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने जैसे कहा था पेपर टफ बनेगा तो ऐसे फुद्दू क्वेश्चन आएंगे, बाकी इनके आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। चलिए नेक्स्ट आता है प्लानिंग। अब हमारे पूरे के पूरे मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप के, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चा लोग, आप इनको लर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि दे कैन गिव यू एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत आपको अपने मन से लिखना आना चाहिए, और मन से लिखना कब आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? सो प्लीज थोड़ा सा थियरी के साथ साथ थोड़े कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स की, तो अपने आप आएगा। जैसे कि पहला है, प्लानिंग दिस ब्रिंग स्मूथनेस इन मैनेजरियल फंक्शन। ऑफकोर्स भैया, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, हमारी सारी के सारे बिजनेस की प्लानिंग हमने करके रखी होगी, तो हमारी एक मेंटल एबिलिटी रहेगी कि हम अपने मैनेजर्स को एक प्रिसाइज कम्युनिकेशन करें, हम अपने सारे डेटा को एनालाइज करके सामने वाले को अगर बताते रहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, क्योंकि हमें बार बार प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने पहले से एक स्ट्रक्चर बना रखा है, सबको पता है कि इस तरीके से काम करना है, तो बिजनेस की स्मूथनेस बढ़ जाती है। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा बहुत मन से लिखो, अलाउड है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बेसिक 4 एलिमेंट क्या क्या होते हैं, आप कोई भी 4 लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे सारे के सारे मैंने मेंशन किए हैं, आपको एग्जाम में 3 या 4 ही पूछेंगे। तो भैया सबसे पहला हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हो जाता है स्ट्रैटेजीज, तीसरा हो जाता है पॉलिसीज, चौथा हो जाता है मेथड्स एंड प्रोसीजर। ये सारे के सारे टर्म्स रट डालना, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क कहीं पे भी टिका देंगे यार ये, तो इसको खा जाना पूरा का पूरा। बहुत बार पूछा गया है प्रोसीजर क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो बिल्कुल बिल्कुल प्री डिसाइडेड होता है, जो आपको अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। बेसिकली स्ट्रैटेजीज बहुत ही क्लियर होता है, एंड दैट्स द रीजन जो वर्ड होता है ना स्ट्रैटेजी, मिलिट्री वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत डिफाइंड तरीके से प्लानिंग करते हैं। वैसे ही अगर आपको पूछा जाएगा पॉलिसीज क्या होती है, तो पॉलिसीज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को मिला के बनाई जाती है। आपको पूछा जाएगा प्रोसीजर क्या होता है,
तो प्रोसीजर एक तरीके से एक स्टेप होते, गाइडलाइंस होती है आपको कोई भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ये एक बेस्ट वे होता है आपको बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स तो भैया कंडीशंस होती है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हम कोई भी काम करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि रूल्स डिसाइड्स द प्रोसीजर एंड गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रूल्स आपको बताते हैं कि आपको प्रोसीजर्स कैसे बनाने हैं और प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो करवाने हैं। लास्ट इज बजट। बजट भी अगेन इंपॉर्टेंट है। बजट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अगर वो बातें हमारे बजट के दायरे के बाहर है तो वो किसी काम के नहीं है। तो बजट हमें बताता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसके लिए आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बैर कर सकते हो। सो बजट आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस के एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, एक डिफाइंड बजट के अंदर रख सकते हो। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम बेसिकली सिक्वेंस होती है कि इसके बाद में क्या काम करना है, उसके बाद में क्या काम करना है। तो बहुत सारी पॉलिसीज मर्ज करके हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये बहुत ऊपर वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चा लोग, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन एनी फोर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगेन मैंने कहा था एग्जाम में चार पूछेंगे, मैंने शायद थोड़ी ज्यादा लिखी होगी, नहीं मैंने चार ही लिखी, तो कोई बात नहीं, आप इतनी ही पढ़ लेना कि भाई क्या क्या है प्लानिंग की लिमिटेशन। सबसे पहला, प्लानिंग बड़ा ही अनसर्टेन होता है, कोई ठिकाना नहीं है प्लानिंग का। हम कितनी भी अच्छे से प्लान क्यों ना कर ले, बट भैया फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, कभी भी हमारा प्लान फेल हो सकता है, इट्स वेरी अनसर्टेन। सेकेंड, प्लानिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। प्लानिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत रिसोर्सेज देना पड़ता है। तो प्लानिंग कभी कभार बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, साथ ही में प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और कई बार हमें लगता है प्लानिंग इररिलेवेंट है। यार आजकल लोग ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, अनप्लान ट्रिप, गाड़ी लेके निकल गए, जो होगा देखा जाएगा, दे फील की मजा आ गई भैया। तो उन लोगों को लगता है जो लोग प्लानिंग करके ट्रिप पे जाते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल, बट इसके हमेशा भैया दो पहलू होते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट। चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, आप अगेन अपने मन से थोड़ा बहुत लिख दोगे कि प्लानिंग आपको अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक कराने में हेल्प करता है, प्लानिंग आपके वेस्टेज कम करता है, प्लानिंग फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, प्लानिंग प्रिसिशन पे जाता है, प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, साथ ही में प्लानिंग आपको कोऑपरेशन करना सिखाता है, प्लानिंग आपको बहुत सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना सिखाता है। मन से लिखोगे थोड़ा बहुत चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन ऑपरेशनल एंड कंटिजेंट प्लान। अब दो तरीके के प्लान ऐसे आपको कोई भी प्लान दे देंगे, आपको उनके बीच में डिफरेंस लिखने को कहा जा सकता है, आपको उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था ना यार, 3 मार्क 2 मार्क वाले आंसर्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, ये लोग कभी कभार 5 मार्क वाले आंसर्स के 2 पॉइंट निकाल के बोलेंगे चलिए 2 को समझाते 2 मार्क के लिए, आप क्या कर लोगे। एंड दैट्स द रीजन मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार ब्लूप्रिंट कितना भी कर ले, हमें बड़े आंसर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा चतुर निकल जाए, थोड़ा सा शातिर निकल जाए ना, वो पेपर को मोल्ड कर सकता है। तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे सब कुछ, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में आएगा बोलोगे यार पेपर तो बहुत हार्ड था। भैया पेपर हार्ड नहीं था, पेपर कुछ अजूबे क्वेश्चन से बन गया था, आपको लगा था ये काहे पूछेंगे ये, और एग्जाम में आ गया, आपके फटके हाथ में आ गई। तो भैया थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए, ऑपरेशनल प्लान और कंटिजेंसी प्लान क्या होता है। ऑपरेशनल प्लान एक डिटेल्ड प्लान होता है जो आपको एक क्लियर पिक्चर बताता है कि भैया टीम कौन है, डिपार्टमेंट कौन से हैं, कौन से इंडिविजुअल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, बिजनेस के कौन से गोल्स को हमें अचीव करना है। तो ऑपरेशनल प्लान बहुत ही क्लियर प्लान होता है, ये प्लान शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, जबकि कंटिजेंट प्लान वो प्लान होता है जो किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, ये वो प्लान होता है जो किसी फ्यूचर इवेंट के ध्यान में रख के बनाया जाता है। ये प्लान हमेशा वैलिड नहीं होता है, अगर ये हुआ तो ये प्लान वैलिड होगा। जैसे कि हम लोग कभी कभार ड्रिल करवाई जाती है आर्मीज वगैरह में कि आग लग गई तो क्या करेंगे, तो आग लगने की ड्रिल होती है, तो जानबूझ के फायर अलार्म बजाया जाता है, लोगों को देखा जाता है कि कौन कहां से एग्जिट कर रहा है, किस किस को फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने आ रहे कि नहीं आ रहे। दीज आर बेसिकली कंटिजेंट प्लान्स। ये बेसिकली बिजनेस यूनिट को तब यूज आता है जब कोई मार्केट में नया चैलेंज आता है, चाहे वो चैलेंज पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कि नेचुरल हो, इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए कंटिजेंट प्लान काम में आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लान, और ये सब मैंने कहा था बहुत तरीके के प्लान है, ये सब आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फिर अब ये सारे स्टेटमेंट्स को समझाना आ सकता है,
कि प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे मैंने 2-3 लाइन में लिखा, आपको अगर 2 मार्क में आएगा तो इतना लिखोगे चलेगा, 3 मार्क में आओगे थोड़ा मन से बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो बच्चा लोग एक बार इन सब चीजों से भी थोड़ा सा गुजर लेना कि आपको पता चले कि एग्जाम में आपको कितना कितना कहाँ कहाँ टिका के आना है। तो इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ये चैप्टर इजी है, वैसे बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप चाहो तो थोड़ा बहुत मन से टिका सकते हो कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन दो होती है पता है, पहली फॉर्मल दूसरी इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां बहुत बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पे हर काम करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, आपको वो तरीके को फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे लेवल पे होती है, जहां पे बेसिकली थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन यानी कि फ्रेंडली रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल, आपकी स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अगर आपको स्कूल में टीचर से छुट्टी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप जाके टीचर को बोलोगे कि टीचर एक एप्लीकेशन रिटर्न में दोगे कि टीचर आज मैं ट्यूशन स्कूल नहीं आने वाला हूँ, तो ये फलाना फलाना रीजन है, प्लीज आप मेरा लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। वाइस वर्सा जो कोचिंग होती है वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे आप सीधा अपने ट्यूशन टीचर को कॉल करते हो और क्या बोलोगे, सर आज मैं ट्यूशन नहीं आऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, राइट? बिकॉज इट्स बेसिकली इनफॉर्मल। आई मीन आप थोड़े से ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं, आप आराम से कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मैं नहीं आऊंगा, हम कोई एप्लीकेशन या कोई परमिशन नॉर्मली मांगते नहीं है। सो दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर सकते हो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम कहता है बहुत इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही एवर चेंजिंग तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बदलना बहुत इजी है, ये आपको हर जगह देखने मिलेगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन इनफॉर्मल रहता है, आप डायरेक्टली फोन करके मैसेज करके रास्ते में मिलते मिलते भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। नॉर्मली ये छोटी जगहों पर काम आता है, यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और ये बेसिकली कहाँ काम आएगा, जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कम हो, बड़े लेवल पे कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है। नेक्स्ट वन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स फॉर्मेशन, अगेन ये सब 5 मार्क के आंसर्स है, बट जैसे कि मैंने कहा था कभी कभार ये आपको 3 मार्क में पूछ लेते हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का, आप थोड़े बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन देके उनके फंक्शंस बता के खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, आप मत पढ़िए, इस चीज को जाने दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है अथॉरिटी, तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। हम तीन तरीके से अपने बेसिक तरीके, हम तीन तरीके से इनको डेलीगेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डेलीगेशन के लिए ये कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों एक भी ऊपर नीचे होगा तो ये पर्टिकुलर कभी भी अच्छे से काम करने वाला नहीं है। जैसे एक ट्राइपॉड है भैया, अगर एक भी पैर छोटा होगा ना तो वो ट्राइपॉड टिक 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 हिलता रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का लेवल एग्जैक्टली सेम रहे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसके बाद आएगा अगला चैप्टर, और जैसे कि मैंने कहा था इससे अगले चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप इतना अपना पोर्शन खत्म करिए, इतना रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद सेकेंड वीडियो में बाकी बचे कुछ चैप्टर्स को भी कवर कर लूंगा और आपके साथ बोर्ड तक बना रहूंगा। चलिए बच्चा लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।